नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसआरटीओ। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं चौक थाना। लोग घरों में शातिर चोर चोरी कर लेते हैं, दुकानों में शटर काट कर चोरी कर लेते हैं, ट्रकों में, गाड़ियों में, तमाम जगह चोरी कर लेते हैं, मंदिरों को भी, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही मामला है चौक थाना क्षेत्र के मुरचा रोड का राम जानकी मंदिर का है। इस पूरे जानकारी देने के पहले, शातिर चोर ने सीसी फुटेज कैमरा में कैद हो गए हैं। पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, तब मैं आपको वास्तविकता से आपको समझाऊंगा। सीसी फुटेज कैमरा में चोर चोरी किया मंदिरों का। जहाँ तक देखिएगा तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, मूर्ति, घड़ा, थाली और कुछ नकदी भी बरामद किए हैं। इस मामले को आते हुए चौक थाना तत्परता संज्ञान में लिए, गंभीरता पूर्वक इस मामले को पूरे रूप से इसको तहकीकात किए हैं। अंततः सीसी कैमरे का फुटेज से चोर को दबोच लिए हैं। इस पूरे मामले में अगर देखिएगा तो चौक थाना अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे हैं प्रेस वार्ता में, उनकी बात को पहले सुन लेते हैं। क्या मामला है सर? कल दिनांक 19/4/24 को प्रातः में रघुनाथ पांडे, पिता स्वर्गीय जलेश्वर पांडे, साकिन मोर्चा रोड, महावीर मंदिर, पटना सिटी के द्वारा थाना पे आकर एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पे राम जानकी मंदिर मोर्चा रोड में बीते दिनांक 18/19 की रात्रि में राम जानकी मंदिर में मूर्ति सहित अन्य पूजा के सामानों की चोरी अज्ञात चोर द्वारा की गई थी। तत्क्षण उक्त आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया, जिसमें एक लगभग 19-20 वर्ष का अज्ञात व्यक्ति है जो चोरी करते हुए दिखा। तत्काल गुप्तचरों द्वारा उसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कराई गई, तो पहचान के क्रम में उसकी पहचान राहुल कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता स्वर्गीय अजय मांझी, साकिन मंसूरगंज मुसहरी, थाना मालसलामी, जिला पटना के रूप में की गई। अविलंब एक टीम गठित कर, वरीय पदाधिकारी के निर्देशन पर एक टीम गठित कर और उक्त संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसे पूछताछ करने के क्रम में फिर उसके द्वारा सामान की बरामदगी की गई, करवाई गई। मंदिर में चोरी गए लगभग 3977 रुपया और 2 पीतल का सिंहासन, 1 पीतल की थाली, 3 पीतल का दिया, 1 पीतल की घंटी, 4 पीतल का लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, तांबा की थाली, एक तांबा की लोटनी, 4 तांबा की छोटी कटोरी, 1 पीतल का घड़ा बरामद किया गया। मतलब हाँ, पूर्व में ये शराब पीने के कांड में जेल जा चुका है। चौक थाना अध्यक्ष ने तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं और लगभग 3970 के आसपास में कैश नकदी की बरामद हुई है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो इसके पहले भी शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आगे की कवायद के लिए जेल भेजने की तैयारी चल रही। लेकिन सबसे चौंकाने बात है कि चोर ने तमाम मूर्ति को ले लिए, सिर्फ एक मूर्ति को छोड़ दिए हैं, भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वो माखन चोर हैं। SSRTO आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।